प्रणाम करता हूँ आप सभी को, मेरा राम राम। और एक देहाती आदमी अपने देहाती लोगों के बीच में खड़ा हूँ, मेरे लिए गौरव की बात है। महाराष्ट्र की धरती से आया हूँ, संतरा नगरी नागपुर के पास एक छोटा सा देहात है तिरोड़ी, और उस देहात से आपके बीच में आया हूँ। यहाँ पर मैं अभी राजीव गांधी वाले भवन में उतरा तो भाई साहब मुझसे पूछा कि आप कौन। मैंने कहा दिनेश देहाती। बोले कपड़े तो बड़े अजीब से पहन के रखे हैं। मैंने कहा भाई साहब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, मार्केटिंग का ज़माना है, माल कैसा भी हो पैकिंग ठीक ठाक रहनी चाहिए। वाह। और अगर पैकिंग ठीक ठाक है तो माल भी ठीक ठाक ही होगा। मैं आप सबके बीच में महाराष्ट्र की धरती से आकर आपके मन की बात कुछ करना चाहता हूँ। लगे कि आपके सामने खड़ा आदमी देहाती कहीं आपका प्रतिनिधित्व करता है, और जिस देश का देहाती ऐसा खड़ा होकर आपके सामने बात करता है तो उस देश के देहाती को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और मैं पूरे देश में एक बात अपने देहाती मित्रों की ओर से हमेशा सीना ठोक कर कहता हूँ, और लगे जिन लोगों ने कीचड़ में पैर भराए होंगे, जिन लोगों ने खेत जोते होंगे, जिन लोगों ने फसलें उगाई होंगी, अगर उनके मन की बात मेरे मुंह से निकल जाए तो एक एक हाथ उठे और बताना कि देश का देहाती यहाँ भी खड़ा है, कि हम देहातियों ने कड़कड़ाती धूप, तेज ठंड और भरी बरसात में फसलों को संभाले नहीं होते तो इस देश के मुंह में अनाज के निवाले नहीं होते, इस देश के मुंह में अनाज के निवाले नहीं होते। और देहात का दम भरता हूँ, और ये बात बड़ी शान से कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि हम देहातियों के जीवन में गम नहीं होता, मगर हमारे देहात में कहीं वृद्धाश्रम नहीं होता, लेकिन हमारे देहात में कहीं वृद्धाश्रम नहीं होता। तकलीफें झेलते हैं, अपनी गृहस्थी संभाल लेते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर में ही पाल लेते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर में ही पाल लेते हैं। लोग अपनी अपनी बातें करते हैं, बहुत अच्छी टीम यहाँ पर आज बैठी हुई है, मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। लोग बोलते हैं कि देहाती में अक्कल नहीं होती, हम देहाती को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। यहाँ मेरे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, साफा बांध के पगड़ी बांध के मेरी इधर फेटा लपेटा जाता है। महाराष्ट्र की पगड़ी अलग है, आपके फेटे को देखकर आपके साफे को देखकर मन प्रसन्न हो गया। और देहाती आदमी को बोलते हैं देहाती में अक्कल नहीं होती, लेकिन देहाती आदमी बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारे शोध किए हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप सबके बारे में एक बताना चाहता हूँ। आप लोगों के स्वास्थ्य की जांच आप लोग अपने अपने तरीके से कराते हैं, लेकिन मंचों पर चल चल कर मैं इतना समझ गया हूँ कि मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि किसके बॉडी में कितना परसेंट हीमोग्लोबिन है। भाई साहब आप जब पहले तबीयत खराब होती थी तो वैद्यराज हुआ करते थे, नाड़ी वैद्य, तबीयत खराब होती थी तो नाड़ी वैद्य के पास जाते थे लोग, वैद्य भी बड़े रंगीन मिजाज, नाड़ी देख देख के पकड़ते थे किस नाड़ी को कितनी देर पकड़ना है। कई लोगों की नाड़ी तो पकड़ पकड़ी वो सटक जाता था, इलाज ऐसा बताते थे कि इनका मन नहीं होता था। उसके बाद में वैद्यराज आए, उनके पास जाओ तो बोले आँख दिखाओ, जीभ दिखाओ। अरे जिस आदमी की शादी हो गई हो क्या आग दिखाने लग बचता है? उसके बाद आजकल के डॉक्टर आए, उनके पास जाओ बताओ कि तबीयत में ऐसा हुआ है, आपकी एक नहीं सुनते, इतना लंबा पर्चा लिख देते हैं, पे जाकर पैथोलॉजी का टेस्ट करा के आओ, उसके बाद बताएंगे कि आपको हुआ क्या है। लेकिन हम मंच पे चलते चलते आपकी तालियों के हाथ स्टाइल से बता देंगे कि किसके बॉडी में कितना परसेंट हीमोग्लोबिन है। यहाँ से मजेदार बात हो, और आपकी तालियां ऐसी मरियल सी बचे, सिर झुका हो तो समझ जाना आपके बॉडी में 60-70% हीमोग्लोबिन है। अगर आपकी बॉडी में 70-80% हीमोग्लोबिन होगा तो हो सकता है कि आपके हाथ ऐसे उठे, लेकिन अगर आपके बॉडी में 100% हीमोग्लोबिन है तो आपके हाथ ऐसे उठेंगे और तालियां बजेंगी तो देही की आवाज बूंदी तक जाएगी। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों के बॉडी में 100% हीमोग्लोबिन है, एक बार हाथ उठे और लगे कि हाँ यहाँ की आवाज वहां तक जाती है। यह है मस्त लोग, यह है स्वस्थ लोग। और ये हमारे बुजुर्ग, आपको प्रणाम करता हूँ, आप अभी तक जाग रहे हैं, प्रणाम करता हूँ। वैसे भी हम लोग आपके जागरण का ही परिणाम है, प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को। देहाती आदमी हूँ,
देखता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ। पिछले दिनों आपने मुझे वहाँ वाह भाई वाह सीरियल में देखा होगा साहब, बहुत सारे लोगों ने और भी सीरियल में देखा होगा, लेकिन मैं वहाँ से बात शुरू करता हूँ। सुनेगा देहाती में अक्ल नहीं होती बोलते हैं। आदरणीय सरपंच महोदय बहन को मैं प्रणाम करता हूँ। देहाती में अक्ल नहीं होती, देहात में ही महिला सरपंच होकर देहात का ग्राम पंचायत चला रही, देहाती में अक्ल नहीं होती। मुझसे भी ऐसा ही कहा गया। पिछले दिनों जब मैं केबीसी में गया, मेरा सिलेक्शन हुआ साहब, तो मैं वहाँ गया, अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे कहा तुम्हारा नाम दिनेश देहाती, तुम में अक्ल है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया कि जब मैं उस देहात से मुंबई तक आया तो क्या मुझ में अक्ल नहीं होगी? अरे बोले नहीं, मैंने कहा नहीं साहब आपसे ज़्यादा ही होगी। तो उनका दिमाग खराब हो गया, बोले एक तो देहाती भी और बाद में बेतकल्लुफ ही करता है। मैंने कहा हाँ साहब आपसे ज़्यादा ही होगी। बोले तुमको मालूम नहीं, मैं तुम्हारा पहले ऑडिशन लूँगा, उसके बाद अगर तुम्हारे जवाब ढंग के लगे तो हॉट सीट मिलेगी, वरना यहीं से लौटा दूंगा। मैंने कहा मैं तैयार। बोले बैठो, मैं बैठ गया। बोले सुनाओ, मैंने कहा आपके ही बारे में सुनाता हूँ। अगर यहाँ पर बैठा एक एक आदमी लगे कि इस देहाती का कॉन्फिडेंस अच्छा था तो मेरी बात के अंत में आपको बात अच्छी लगे तो हाथ उठाना। मैंने कहा भाई साहब आदरणीय आपके बारे में ही सुनाता हूँ। बोले सुनाओ। मैंने कहा आपका नाम श्रीमान अमिताभ बच्चन, आपके पिताजी का नाम श्रीमान हरिवंश राय बच्चन, आपकी माताजी का नाम श्रीमती तेजी बच्चन, आपकी पत्नी का नाम श्रीमती जया बच्चन, आपके बेटे का नाम श्रीमान अभिषेक बच्चन, आपकी बहू का नाम श्रीमती ऐश्वर्या राय बच्चन। मैंने कहा ठीक है। बोले ठीक है। मैंने कहा अब तुम मेरे बारे में बताओ। वाह। बोले मेरे को इतना नहीं मालूम। मैंने कहा मैंने पहले ही कहा था कि आपसे ज्यादा ही दिमाग होगा। हमको हमारी हिम्मत पे नाज होना चाहिए, इसलिए कहता हूं कि हमको हमारी हिम्मत पे नाज होना चाहिए। जब भी हो गगन भेदी आगाज होना चाहिए, और बढ़ते कदमों को मत रोको मेरे साथियों, आगे बढ़ो तो वीरों सा अंदाज होना चाहिए, आगे बढ़ो तो वीरों सा अंदाज होना चाहिए। मस्ती है, लोग बोलते हैं देहाती में अक्ल नहीं होती साहब, लेकिन कुछ लोगों के पास दूसरे टाइप की अक्ल होती है। पिछले दिनों में नागपुर की संतरा मंडी गया, किसी ने बताया कि नागपुर का संतरा बड़ा प्रसिद्ध। मैंने मंडी में गया, मैंने भाई साहब ताजा संतरा देना, तो मंडी में एक आदमी मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले यार नागपुर में संतरे का तो एक भी पेड़ नहीं, यहाँ कहाँ का ताजा संतरा? मैंने कहा मुझे तो ताजा चाहिए। बोले अगर ताजा खाना है तो देहात में जाओ, जो संतरे के बगीचे हैं। मन था ताजा खाना है, हम देहाती ऐसे भी जो सोचते हैं पूरा करते हैं। मैं वहां से 12 किलोमीटर गया, वहां पर एक बगीचा लगा हुआ था, एक देहाती आदमी धोती पहने और दादा जैसे ही गमछा लपेटा सर टोकरी में संतरे लेके बैठा था। संतरा उठाया मैंने, सूंघा, अच्छा लगा। उसका दिमाग देखना साहब। मैंने पूछा भाई साहब कैसे दिए? बोले 5 रुपए का एक संतरा, अच्छा लगा। मैंने कहा ऐसा करो 10 रुपए के दो दे दो। वो बोला नहीं 5 रुपए का एक आएगा। अरे मैंने कहा भाई साहब समझ गया यार, 5 रुपए का एक आएगा इसलिए कह रहा हूँ 10 रुपए के दो दे दो। वो बोला नहीं 5 रुपए का एक आएगा। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा अजीब किस्म के बेवकूफ हो देहाती कहीं के, जब 5 रुपए का एक दे सकते तो 10 रुपए के दो नहीं दे सकते? तो वो मुझ पे चढ़ पड़ा, बोला तुम में ज्यादा अकल है तो 5-5 रुपए के दो बार नहीं ले सकते? ठोको ताली लगना चाहिए कि दिमाग तो कहीं है। मेरे मस्त दोस्तों, दिमाग अपने अपने तरीके का। मेरे एक देहाती दोस्त ने तो हद कर दी, खेत में पक्का मकान बनाया, उसका छप्पर कच्चा बना दिया। यार मैंने कहा मेरे दोस्त जब इतना पक्का मकान बनाया तो छप्पर भी पक्का बना देता। तो उसने बड़े दार्शनिक अंदाजे बोला, दिनेश भाई तुमने सुना नहीं क्या, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यार कौन बार बार छप्पर रिपेयर करवाए? मैंने कहा पगले तब तो तू कच्छा भी नहीं पहनता होगा। बोला क्यों? मैंने कहा तूने सुना नहीं क्या, जब ऊपर वाला लेता है तो छप्पर भी उतार तो कच्छा भी उतार लेता है। दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाने के तरीके अलग अलग। मेरे देहाती दोस्त ने तो हद कर दी। प्रयोग का जमाना है, अभी बड़े बड़े प्रयोग चल रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने अपने खलियान में कुत्ते को पकड़ा और उसकी पूंछ में पोंगली डाल रहा था।
अरे मैंने कहा पगले तूने सुना नहीं क्या, कुत्ते की पूछ को 12 साल पोंगली में रखो तब भी सीधी नहीं होती। तो मुझसे बोला दिनेश भाई कुत्ते की पूछ कौन सीधी कर रहा है, मैं तो पोंगली टेढ़ी करने का प्रयोग कर रहा हूँ। दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाने के अपने अपने तरीके। मैं आपके बीच में हूँ साहब, मैं आपके बीच में एक देहाती का कुछ अंदाज पेश कर सकूँ तो मुझे खुशी होगी। आप सबके एक बार तालियां मिले, कविता से जोड़ते हुए आप तक पहुँचता हूँ कि मन मैला ही रहा तो गंगा नहा कर क्या करोगे, बात अच्छी लगे तो उठाना। कि मन मैला ही रहा तो गंगा नहा कर क्या करोगे, घृणा की दवा प्रेम है लहू बहा कर क्या करोगे। कि मन मैला ही रहा तो गंगा नहा कर क्या करोगे, घृणा की दवा प्रेम है लहू बहा कर क्या करोगे। और दिल दिमाग दुनिया सुलग रहे हैं आग में, अरे खाक हो जाएगा तब मल्हार गा कर क्या करोगे, खाक हो जाएगा तब मल्हार गा कर क्या करोगे। और आज के हालात ऐसे हैं कि लहू लुहान घर आंगन है, बंद सुलह के रास्ते अमन के गीत गाऊं तो भला मैं किसके वास्ते। और शोलों की शक्ल लेने लगे हैं जब से चराग, बहारों ने भी बदल दिए हैं अपने रास्ते, बहारों ने भी बदल दिए हैं अपने रास्ते।